हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय मैकेनिकल चैनल। यदि आप गेट, ईएस, एसएससी और इसरो की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। प्लीज़ इसे लास्ट तक के देखिए। और लास्ट टाइम मैंने एक पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल भी लगाई है, प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड इज इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि ये क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम हीट की स्टडी करते हैं, जितनी हीट इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इंट्रैक्शन हो रही है और इसका क्या इफेक्ट हो रहा है सिस्टम की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो मैंने कुछ इसमें बातें की है सिस्टम की, सराउंडिंग की। तो सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। सिस्टम, एनी स्पेस और रीजन ऑन विच आवर एनालिसिस इज डन, यानी जी कोई सा भी प्लेस जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं उसे बोला जाता है सिस्टम। कोई भी प्लेस जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसे बोला जाता है सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, और सराउंडिंग क्या होता है, एनी थिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, सिस्टम के बाहर का जो भी रीजन होगा उसे बोला जाएगा सराउंडिंग। और याद रखना है फ्रेंड आपको कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, तो यूनिवर्स बनाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब सिस्टम बाउंड्री क्या होता है, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सेपरेट करे सराउंडिंग से उसे बोला जाता है बाउंड्री। तो बाउंड्री में भी रियल हो सकती है और इमेजिनरी हो सकती है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ बाउंड्री आपको यहाँ समझ में आएगा। एक होती है रिजिड बाउंड्री होती है, दूसरी मूवेबल बाउंड्री होती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है जिसमें रेड कलर के जो लाइन है उसके अंदर एक सिस्टम लिखा है, यानी यहाँ पर हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम बनेगा। सिस्टम की कुछ ना कुछ बाउंड्री होंगी। ठीक है, तो जो रेड है वो हमारी बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री के बाहर का ये रीज़न ये बन जाएंगे हमारी सराउंडिंग। ठीक है फ्रेंड, अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, क्लासरूम है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम क्लासरूम की कुछ दीवारें होंगी वो हमारी बाउंड्री बन जाएंगी, और बाउंड्री जो है दीवारें उसके बाहर का जो भी रीज़न होगा वो हमारी बन जाएंगी सराउंडिंग। ठीक है फ्रेंड, आपको ये एग्जांपल से बहुत इजी समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको नहीं समझ में आया तो अपना मेरा वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर तो इसमें से हर एक साल क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली। तो जनरली टाइप्स ऑफ सिस्टम, जनरली थ्री टाइप्स के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम क्या होता है, यदि हम एक बीकर ले, बीकर को नीचे से बर्न करें तो हीट जनरेट होने के कारण क्या होंगे, वेपर क्रिएट होंगे। वेपर कहाँ चलेंगे, एटमॉस्फेयर में चलेंगे। ये ऊपर से क्लोज नहीं है, ओपन है। तो ओपन है तो यहाँ पर जो वेपर क्रिएट है वो एटमॉस्फेयर में चली आ रही है, एनर्जी भी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर हो उसे बोला जाता है ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम कि हमने क्या करा, ऊपर कैप लगा दी कंटेनर, उसके ऊपर हमने कैप कर दिया, पैक कर दिया। तो जो हमने नीचे से हीटअप किया तो यहाँ से जो वेपर क्रिएट है वो ऊपर तो जा नहीं पाएंगी, यहीं पे ब्लॉक होकर रह जाएंगी। तो इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो बट मास का ट्रांसफर ना हो, उस ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्लोज सिस्टम। ओके फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो, ये क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओके फ्रेंड, आपको तीनों बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मैंने एक टेबल बनाई है, आगे देखते उसमें पहले है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है। इस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं ओल्ड मैकेनिकल डिवाइस, सेंटर पोल, पंप, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सब क्या है ओपन सिस्टम के अंडर में आते हैं फ्रेंड्स। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है बट मास का ट्रांसफर नहीं होता, इस सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ये क्या होता है, हॉट कंटेनर केप्ड एट वन साइड, यानी बहुत साइड पे जो क्या हो, पैक हो, इस सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसमिट हो ना ही मास का ट्रांसफर हो। जैसे थर्मोफ्लास्क आप लोगों ने देखा होगा वो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देख चलते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये भी बहुत अहम थी, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई में, इसरो में। तो प्लीज़ फ्रेंड इसको ध्यान से समझिए आप लोग। एक देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी,
है ना, प्रॉपर्टी एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, साइज जो सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये एक घर है, उसको मैंने पार्टीशन किया, तो यहाँ पर जितना टेम्परेचर है वहाँ पर भी उतना रहेगा, जितना प्रेशर है उतना ही यहाँ रहेगा। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑल स्पेसिफिक टर्म आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। फ्रेंड चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड करती है उन्हें बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फॉर वॉल्यूम, मास, ऑल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे घर है, घर के मैंने पार्टीशन की, यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम यहाँ पर भी कम होगा, मास भी कम होगा, एनर्जी भी कम होगी, एंथैल्पी एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। अब सम डेफिनेशन, आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ डेफिनेशन आना चाहिए, और ये डायरेक्टली पेपर में पूछ ले भी लेते हैं SSC JEE में कि स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए स्टेट क्या, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की कंडीशन को प्रेजेंट करती है कि इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है फ्रेंड, अब प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस चेंज इन स्टेट लीड टू प्रोसेस, यानी जैसे स्टेट में चेंज होता है उसे बोला जाता है प्रोसेस। तो इसे इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट मिलकर एक प्रोसेस क्रिएट करती है। ठीक है फ्रेंड, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस सीरीज ऑफ प्रोसेस सच दैट इन स्टेट आर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम, ऐसी प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट आर सेम हो उसे बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम क्या गए, यहाँ से यहाँ पर गए, फिर यहाँ से यहाँ पर गए, तो ये क्या हो गया, हमारी एक साइक्लिक प्रोसेस। जैसे हम घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, ये हम एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करते हैं। आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस विच फॉलो द सेम पाथ, ऐसी प्रोसेस जो सेम पाथ को फॉलो करती है उसे बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक प्रोसेस होगी वन से टू एक प्रोसेस होगी जो क्या कर रही है, सेम पाथ फॉलो कर रही है। और इसकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसके कारण होती है, कंप्रेशन के कारण होती है, कंप्रेशन के कारण होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस का होती है इट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ, ऐसी प्रोसेस जो सेम पाथ को फॉलो नहीं करती उसे बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शन इज द कॉसेस ऑफ इरिवर्सिबल, फ्रिक्शन के कारण ये प्रोसेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन बहुत एमपी है, ये भी एमपी है। द फंक्शन, एक मिनट, ठीक है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, द फंक्शन विच डिपेंड ऑन पॉइंट, ऐसा फंक्शन जो पॉइंट पर डिपेंड करे उसे पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। और प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इसे पॉइंट फंक्शन, जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सब क्या होती है, पॉइंट फंक्शन, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, etc, तो जितनी प्रॉपर्टी हो सके पॉइंट फंक्शन है। और जो पॉइंट फंक्शन होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियबल होता है, वो ये याद रखना बहुत एमपी पॉइंट है, ये जो भी होते हैं पॉइंट फंक्शन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियबल होता है। पाथ फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। इसके एग्जांपल वर्क, हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, पाथ फंक्शन है। याद रखना है फ्रेंड, जो एंट्रोपी होती है वो पॉइंट फंक्शन भी है और पाथ फंक्शन भी होती है, याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो पाथ फंक्शन होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियबल होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियबल होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ स्लाइड ऐड की है जो मोस्ट टाइम भी इसमें से हर एक साल इतने क्वेश्चन बनता ही है। एरिया अंडर द पीवी कर्व गिव द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी एरिया होता है पीवी कर्व के वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। सो इट डज, इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ इन स्टेट, जो क्या है इन स्टेट का फंक्शन नहीं होता, बट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, जो केवल पाथ पर डिपेंड करता है। देयर फॉर इज ऑल्सो कॉल्ड पाथ फंक्शन, इसलिए इसे क्या कहता है, पाथ फंक्शन कहा जाता है। अब सेकेंड पॉइंट, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर द पॉइंट फंक्शन, मैंने बोलते हैं जितनी प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन होती है। सिंस फॉर द गिवन स्टेट देयर इज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर ईच प्रॉपर्टी, और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। अगला पॉइंट बनते हैं पाथ फंक्शन आर कॉल्ड इनएग्जैक्ट, पाथ फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशिएबल। पॉइंट फंक्शन को बोला जाता आर एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशिएबल। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ नोटेशन आपके लिए है, ये आपको नोट रखना है कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम की द वर्क डन, जो एरिया होता है पीवी डायग्राम का, जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है, क्या देता है, वर्क
डन देता है, वर्क प्रोड्यूस हमें क्या देता है, वर्क देता है। ठीक है, ये कैसा होता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन लगाए, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते, देखते हैं आप किससे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। एक क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन विच देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। वो क्लोज सिस्टम ने पढ़ा था ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता बट मास का ट्रांसफर नहीं होता। तो देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर, यस। तो सेकेंड विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं कर डिपेंड करती है, जो मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम तो करता है, प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो वॉल्यूम इज यूजली राइट आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। चूज द ओपन थर्मोडायनेमिक, ओपन सिस्टम मैंने बोलता है जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैकेनिकल डिवाइस होती है वो ओपन सिस्टम के अंदर आती है। तो मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर, फ्रीजर तो नहीं होगा, वो पैक रहता है। सेंट्रल कूलर पंप, यस। तो सेकंड विल बी अवर राइट आंसर। प्रेशर कुकर तो हो नहीं सकता क्योंकि पैक रहता है। ऑटोमोबाइल बैटरी पैक आती है। तो सेंट्रल कूलर पंप अवर विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं हम, हीट एंड वर्क इज द, तो हीट एंड वर्क इज क्या है, पाथ फंक्शन है। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है पूरी की। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हीट एंड वर्क आर द कौन सा फंक्शन होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट और सिस्टम ऑफ बोथ। तो सिस्टम ऑफ बोथ तो होगा नहीं, ये होते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियबल। ओके फ्रेंड, अंडरस्टैंड। अब आगे क्वेश्चन देखो आप, इसमें पूछा है या क्वेश्चन छपा नहीं है, इसमें आपको वर्क डन बताना है। ठीक है, तो आप देखो ये आप पीवी डायग्राम देखो, तो ये वन से फाइव तक की यानी फाइव होगी और ये टू से फोर तक की यानी टू होगी। तो हम जानते हैं जो अपना एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हमें देता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू वन बाय टू, बेस कितना होगा फाइव इंटू टू, तो ये टू से टू कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया फाइव। तो फाइव विल बी अवर राइट आंसर, बी विल बी अवर राइट आंसर, तो बी हमारा राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया हूँ इजिली, फर्स्ट एंड प्लीज लाइक और शेयर कीजिए इसे। सेवन क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट होती है मास पे, मास पर डिपेंड नहीं करती। कौन सी इस प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करेंगी, तो मास पे मैंने बताया था कि पार्टीशन कर लो घर की, यहाँ पर देखो डेंसिटी भी सेम टू सेम रहेगी, यहाँ पर भी सेम टू सेम, यानी मास पर डिपेंड नहीं करेगी। वॉल्यूम आधा हो गया, यहाँ पर भी मास भी आधा हो गया, ऑल एनर्जी भी कम होगी। तो डेंसिटी इज अवर विल बी राइट आंसर, हमारा आंसर क्या है, डेंसिटी होगा इसमें। सेवन क्वेश्चन में डेंसिटी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एट वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, ऑल स्पेसिफिक एनर्जी तो होंगी ही नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी जो मास पे डिपेंड करती है। तो प्रेशर भी नहीं करता, एंट्रोपी, एंट्रोपी करती है, प्रेशर और टेम्परेचर करेंगे तो एंट्रोपी विल बी अवर राइट आंसर। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, और शेयर कीजिए।